सभी दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर, नवंबर की शुभकामनाएं। नवंबर शुभकामनाएं भाई। और आज हम आए हैं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, राम भगवान का, श्री राम जी का मंदिर है काफी प्राचीन काल से। और इस मंदिर की खासियत है, लकड़ियों का बना हुआ है, लकड़ी के तख्ते से ऊपर डबल मंजिल का मंदिर बना हुआ है। और आज हम शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने जीवन में दोबारा से, एक बार फिर नए साल का 2022 का। 21 तो चला गया 2022 में, और हम मिलवाने जा रहे हैं शर्मा जी को। कहाँ जा रहे हैं आज अपन? ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन श्री राम जी का मंदिर है जी, दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं जी। हमारे धीरज आपको अंदर से भी दिखाएंगे वीडियोग्राफी करके। और जैसा कि आपको पता है कि आज नववर्ष है, तो नववर्ष में एक नई शुरुआत के साथ आपको श्री राम जी के दर्शन करवाते हैं। तो धीरज ये आपको अंदर का दिखाएंगे, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, तो समझिए इनके द्वारा। तो चलते हैं मंदिर में, अभी सामने का कैमरा कर लेते हैं। आपको ये दिख रहा है ना, ये मंदिर है, डबल मंजिल है, तो बाहर से चूना पत्थर और चूनी वगैरह का दिखा, लेकिन अंदर से लकड़ी का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन है। और डबल मंजिल का जो मंदिर बना हुआ है, तो अंदर ले चल रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं, पूरा दर्शन करा रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे इनसे पूछते हैं मंदिर के बारे में, कुछ जानकारी देंगे। तो बताएं मंदिर के बारे में थोड़ा। 300 साल पुराना मंदिर है, होलकर स्टेट के जमाने का है ये। जब होलकर स्टेट के जमाने का, होलकर स्टेट के जमाने का। और काफी लोग यहाँ पर आते होंगे। हाँ, दर्शनार्थी आते हैं सुबह शाम आते हैं। तो लकड़ी से निर्मित है, हाँ, मियाल का भी है, और ये चूने की दीवारें हैं इसमें, चूने की दीवार बाहर से अंदर लकड़ी से। चलो, तो ये 300 साल पुराना है। यदि आप भी मन बना रहे हैं, यदि आपने नहीं देखा तो मंदिर के दर्शन करें, और हमारे वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो फिर बने रहे हमारे साथ। और एक बना हुआ देवास की तहसील है कन्नौत जी, कन्नौत तहसील है, उसमें जी मंदिर बना हुआ है, और बहुत ही प्राचीन मंदिर है राम भगवान का। इसमें मूर्तियां स्थापित हैं कई प्राचीन काल से, और अंदर ले चल रहे हैं आपको, फिर दिखा रहे हैं। ये मंदिर है काफी, बहुत ही विशाल लकड़ी लगी हुई है, मजबूत, और देखो एक मजबूत है, लकड़ी का है पूरा मंदिर। और इधर अंदर ले चल रहे हैं आपको, अच्छी सी डिजाइनिंग है, और ये घंटा लगा हुआ है, ये मंदिर है, और ये लकड़ी का, देखो पूरा आप देख सकते हैं ये, और ये लकड़ी का मंदिर है, लकड़ी का बना हुआ है। और यहाँ ऊपर देखें, अभी इस टाइम पर हम आए हैं, और ये मंदिर है भगवान श्री राम का, राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां हैं यहाँ स्थापित हैं, तो वो काफ़ी प्राचीन है और लकड़ी का बना हुआ है पूरी तरह से, देख लें आप इसको। तो ऐसा मंदिर शायद ही कभी कभी देखने को मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं आपको इस तरह की जो प्राचीन संस्कृति हमारी, उसको सभी को दिखाने की। तो ये पिलर भी बने हुए हैं, पिलर कितने अच्छे से पिलर बनी हुई है, ये सभी लकड़ियों के बने हुए हैं, और मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। तो अच्छे से दर्शन कर ले आए, नई साल की शुरुआत करने जा रहे हैं 2022 की, तो इसी के उपलक्ष्य में हम आपको दर्शन करा रहे हैं भगवान श्री राम के प्राचीन मंदिर। ये कितने मजबूत पिलर बने हुए हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये सारे ये पिलर हैं जितने भी हैं, आपको ऐसे लग रहे हैं लोहे के, मिट्टी के हो, पत्थर के हो, नहीं, ये सभी किसके हैं, लकड़ी के, लकड़ी से बनाए गए हैं, इनको डिजाइन किया गया है। ये पिलर है पूरा, ये बना हुआ है, ये भी लकड़ी का है, और इधर ये भी बना हुआ है। तो ये देखो सभी कितना अच्छा अच्छा डिजाइन है इसमें, सब लकड़ी का है, और ऊपर देख सकते हैं ये डबल मंजिल है, दो तीन मंजिल है, तो इसमें लकड़ी का काम किया गया है पूरी। और प्राचीन समय में, पुराने टाइम में ये लकड़ी से बनाया गया, उस समय कितनी शोभा, आज बहुत अच्छी शोभा है इसकी देखने में, अच्छा डिजाइन में आए, तो उस समय कितनी अच्छा डिजाइन होगा। तो दोस्तों, आज नई साल है 2022 में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आपका 2022 बहुत ही अच्छे से गुजरे, और भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। तो आज हम इस जानकारी को, हमने आपकी भी सामने लाया, इस मंदिर को दिखाया, लकड़ी का मंदिर है पूरी तरह से। तो आशा करते हैं मंदिर आपको पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मंदिर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आज ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हैप्पी न्यू ईयर।